आज है 29 जून और दिल्ली का मौसम देखो भैया, क्या मस्त वेदर हो रखा है। ऐसा लग रहा है ठंडियां आ गई है, बस ठंड नहीं है, बस देखने देखने में मौसम अच्छा हो रखा है। आज तो ह्यूमिडिटी है तो मौसम देखने में तो काफी अच्छा है, और हल्की हल्की हवा बहुत चल रही कभी कभी, तो काफी अच्छा लग रहा है। एनीवेज अभी चलते हैं और कुछ बनाते हैं अपने लिए। तो सुबह मैं कंप्लेन कर रहा था, या अभी से 2 घंटे पहले मैं कंप्लेन कर रहा था कि भाई हवा नहीं है, बहुत मौसम खराब सा है, और अभी देखो वेदर क्या मस्त हो गया है। एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बादल काफी ज्यादा आ गए हैं, तो बारिश पक्का होगी। एंड जनरली इस टाइम पे काफी अच्छी धूप रहती है, बट अभी देख लो मौसम। एंड ऑल्सो आई होप दिस माइक इज वर्किंग और बारिश स्टार्ट हो गई है। Awesome. बट हमने तो बहुत इंजॉय कर ली बारिश, अब वापस चलते हैं पढ़ने। ऑल राइट, तो 10:20 हो गए हैं और हम जो अपना सेल्फ स्टडी कर रहे थे उसका टाइम अभी के लिए खत्म हो गया है, और अब टाइम है स्लैक मेल्स चेक करने का। और लास्ट वीडियो में कुछ लोग ऐसे पूछ रहे थे कमेंट्स में कि क्या आपको प्रोजेक्ट मिल गया, तो जब मैंने उनको बताया हाँ मुझे काफी जल्दी प्रोजेक्ट मिल गया था, 1 से 2 हफ्ते के बीच में प्रोजेक्ट आराम से मिल गया था मेरे को, तो सबका क्वेश्चन ये था कि कैसे मिला, उस पर एक वीडियो बनाओ। तो आज की इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे, बट चलता हूँ जल्दी से स्लैक मेल चेक करता हूँ, एक शावर लेता हूँ, फिर आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो लास्ट प्रिंट बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गई थी, बहुत छोटा सा लगा था, बट एंड में जाके बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गई थी। 3 नए फीचर्स पे काम किया, 1 बग पे काम किया, तो 4 टिकट्स पे काम किया, और फाइनली एंड मोमेंट पे डिलीवर कर दी टेस्टर के साथ। लास्ट दिन बैठ के अच्छे टेस्टिंग की, एंड थैंकफुली इट गॉट कंप्लीटेड, वो भी बिना के स्पिल ओवर के, जो कि एक अपने में उमदा चीज है। मजा आ जाता है जब आपकी स्प्रिंट बिना स्पिल ओवर के आप कंप्लीट कर दो। बट इट वॉज ऑल थैंक्स टू द टेस्टर कि वो रात को 10 बजे तक मेरे साथ बैठकर टेस्टिंग कर रहा था। मैं पर्सनली होता तो मना कर देता कि भाई तू स्पिल कर, ये तेरी गलती। बट ये तो होगी लास्ट स्प्रिंट की बात, ये स्प्रिंट अभी तो थोड़ी लाइट लग रही है, सिर्फ 2 चीजों पर काम करना है, 1 एनहांसमेंट है, 1 बग है। एनहांसमेंट ऑलमोस्ट पूरी हो गई है, अभी उसको बस मैं डिप्लॉय कर दूंगा और उसके बाद बग पे काम करने लग जाऊंगा। आज डेट है 29 जून और 6 जुलाई को ये स्प्रिंट खत्म होगी, तो आई होप ये स्प्रिंट भी मैं बिना किसी स्पिल ओवर के पूरी कर दूंगा। अनाउंसमेंट जो है बहुत बेसिक सा है, तो उसमें कुछ टेक्स्ट फील्ड्स वगैरह गलत हमारी आ रही थी, UI में गलत जगह शो हो रही थी, कुछ पर्टिकुलर मार्केट्स के लिए जो UI फीचर्स हैं वो थोड़े से ऊपर नीचे हो रहे थे, थोड़ा ग्लिच कर रहे थे, तो उसको फिक्स करना था।
कर दिया है वो, तो बस अब उसको टेस्टिंग एनवायरनमेंट में डिप्लॉय कर देंगे ताकि हमारा टेस्टर टेस्ट कर दे और ग्रीन फ्लैग मिल जाए। फिर इस टिकट को डिप्लॉय कर देंगे क्योंकि भाई एक यूजर एक्सपीरियंस खराब कर रहा है, तो इसको डिप्लॉय करने के बाद हम अपने बग पे काम करने में लग जाएंगे। बट इस बग के बारे में अब तक जितना मैंने एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में पढ़ा, ग्रूमिंग में देखा, काफ़ी अजीब सा बग है और बार बार रिप्रोड्यूस भी करना इसको मुश्किल है। तो लेट्स सी क्या अप्रोच हम फॉलो करेंगे और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। बट फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे अगर आप बेंच पे हो तो एक प्रोजेक्ट आप जल्दी से जल्दी ढूंढ सकते हो। एक मिनट आया। तो अप्रोक्सीमेटली एक हफ्ता हो गया है लास्ट टाइम मेड द वीडियो, उसके बाद भाई क्या हेक्टिक वीक रहा, कुछ ना कुछ आता गया, कुछ काम आता गया। ऊपर से अभी केटी स्टार्ट कर दी है, एक नया बंदा ज्वाइन हुआ है तो उसको प्रोजेक्ट की केटी देनी स्टार्ट कर दी, और मोस्टली जो लोग ज्वाइन होते हैं नए नए तो भाई उनके टिकट्स पे भी आपको उनकी हेल्प करनी पड़ती है, तो बहुत ज्यादा हेक्टिक रहा। वीकेंड्स पे गेस्ट आ गए तो वीडियो बना नहीं सकते थे, बट वो सब बताते हैं साइड में। और अब बात करते हैं कि कैसे अगर आप बेंच पे हो तो आप एक प्रोजेक्ट में स्विच कर सकते हो। देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए रहेगी कि आपके पास एक स्किल सेट होना चाहिए। मैंने बहुत लोग देखे हैं जो बोलते हैं हमको प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे, ये नहीं मिल रहा, बट उनका स्किल सेट उतना अच्छा है नहीं, उतना इंप्रेसिव स्किल सेट नहीं है। और स्किल सेट मतलब ये नहीं आपको 100 चीजें आनी चाहिए, भले ही 4 चीजें आए पर उनको इन डेप्थ पूरा अच्छे से आना चाहिए। तो बेसिक चीजें आप सीख लो। आप सबकी कंपनी में कोई ना कोई पोर्टल होगा जहां पे ये बताया जाएगा कि बेंच पे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जाके उनको देखो और पता लगाओ कि भाई कौन से तरह के प्रोजेक्ट्स आपकी कंपनी को मिल रहे हैं, कौन से तरह के प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, एंगुलर की रिक्वायरमेंट है, .NET की है, किस चीज़ की है और कितनी डेप्थ में रिक्वायरमेंट है, वो आपको कैसे पता चलेगा, ईयर्स रिक्वायर्ड है। तो उस चीज को पढ़ना स्टार्ट करो, अच्छे से इन डेप्थ पढ़ो और फिर अप्लाई करना स्टार्ट करो। अब कई लोग सीधा वहां पे अप्लाई बटन पे क्लिक करके छोड़ देंगे, नहीं, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स होंगी कि कौन हायर कर रहा है, किसके थ्रू हायर हो रहा है, उन सबको पिंग करो कि ये है मेरा रिज्यूमे, मैं इतना एक्सपीरियंस हूँ, मेरे को ये चीजें आती हैं, इतनी देर डेप्थ में आती हैं। आप एक इंटरव्यू शेड्यूल कर लो, अगर आपको लगता है कि मैं एक अच्छा फिट रहूंगा तो आप मेरे को हायर करना, नहीं तो आप मेरे को कुछ इम्प्रूवमेंट के पॉइंट्स बता सकते हो। तो ऐसे करके आपको बहुत लोगों को मैसेज भेजने पड़ेंगे, आपको कुछ ना कुछ इंटरव्यू कॉल्स आ जाएंगे, एंड देन फ्रॉम देयर यू कैन गिव योर इंटरव्यूज। और इंटरव्यू क्लियर करना तो आपके हाथ में है, तभी मैंने कहा अच्छी खासी डेप्थ बना के रखना अपने नॉलेज बेस में। हो सकता है एंगुलर का प्रोजेक्ट हो, आपको रिएक्ट आती हो, आप उनको बता दो कि मेरे को रिएक्ट आती है, मैंने एंगुलर के बेसिक्स कर लिए हैं एंड मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आर सेम, तो मैं अच्छे से कर पाऊंगा। फिर वो आपसे रिएक्ट के क्वेश्चन पूछ लेंगे या आपसे इन जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप उसको बता दो, क्योंकि देखो भाई ये सब बेस तो एक ही फ्रेमवर्क पे है, जावास्क्रिप्ट। तो अगर आपको फ्रंट एंड रोल पे ज्यादा इंटरेस्ट है तो जावास्क्रिप्ट तो अच्छे से कर लेना, बाकी सब तो साथ की चीजें आप कर लोगे। और कई जगह आप लोग कहोगे कि भाई हमारे ईयर ऑफ रिक्वायरमेंट नहीं है उतना, वहां पे 5 साल मांग रहा है, 3 साल मांग रहा है, या जिसमें मैं गया हूँ वो भी 8 साल का रिक्वायरमेंट था, मेरे को 2.5 साल का ही एक्सपीरियंस है। बट आपको कन्वे करना आना चाहिए, कन्विंस करना आना चाहिए बेसिकली, और अपने मैसेज में फालतू की चीजें मत लिखो या सिर्फ हाई लेके मत छोड़ देना, पूरा जो भी आपको बात करनी है पूरी एक साथ, हाई मैंने ये रोल का ओपनिंग देखी, ये मेरे को आता है, इतने साल का एक्सपीरियंस है, बट मेरे को लगता है कि मेरे को ये चीजें आती हैं विच माइट बी हेल्पफुल टू योर प्रोजेक्ट, अगर आप एक क्विक कॉल मेरे साथ कर सको टू टेस्ट द नॉलेज इट विल बी रियली हेल्पफुल, वैसे करके मैसेज भेजो। कई लोग रिजेक्ट करेंगे, मेरे को बहुत लोगों ने रिजेक्ट किया, बट अगर आप दिन के 50-100 लोगों को भेज रहे हो ना तो आधे ज्यादा लोग कहेंगे ठीक है तुम्हारे एक इंटरव्यू लेके देख लेते हैं, क्योंकि उससे उनका भी फायदा है तुम्हारा भी फायदा है। तो भाई उनको इसलिए फायदा होता है क्योंकि जो प्रोजेक्ट का जो वो लोग प्रपोजल डालते हैं ना उसकी भी एजिंग होती है, जैसे तुम्हारी बेंच पे एजिंग हो रही है उनकी वहां पे एजिंग हो रही होती है, तो इसलिए वो जल्दी से कोई कैंडिडेट ढूंढना चाह रहे होते हैं। और अगर अब तुम कम ईयर एक्सपीरियंस हो चाहे ज्यादा हो उनको उससे कोई मतलब नहीं है, उनको बस ये है कि हमारा काम कर दे, तो अगर आप उनको ये दिखा दोगे आपके पास नॉलेज है वो काम कर सकते हो तो वाई वोंट दे हायर यू। तो ऐसे करके आप आराम से जाके एक प्रोजेक्ट उठा सकते हो, 1 महीने के अंदर अंदर तो आपको आराम से मिल जाएगा। तो दैट्स हाउ यू कैन ग्रैब अ प्रोजेक्ट, और बहुत ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, इट्स रियली इजी, ट्राई डूइंग दिस और फिर कमेंट्स में आके मुझे बताओ क्या काम किया या नहीं। तो बस आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं, अगर आपके पास कोई टिप्स हैं जो कि आप अपने जूनियर्स को देना चाहो अबाउट सर्चिंग प्रोजेक्ट तो नीचे कमेंट्स में बताना, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।